देखिए, अपनी खुशी के साथ साथ मैं पूरे देशवासियों की खुशी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तो काफ़ी मेरे को प्यार मिल रहा है देश में लौट करके, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और काफ़ी अपने आप को एक मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ जब से लंदन से लौटा हूँ मैं। जी जी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनके नाम का अवार्ड मिलना, उनके नाम का अवार्ड मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। भले ही आपने देश के लिए जीता हो, लेकिन आपके जो रिश्तेदार है, जो घर में परिवार के लोग हैं, वो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस चीज़ पर, या फिर उनके साथ कैसे खुशी शेयर की गई? वो भी देखिए, अपने आप में बहुत खुश हैं, और सारे में वो भी फ़ोन करके बता रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी मुबारकबाद के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, बुकेज आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हूँ। और जो महात्मा गांधी जी की आपने बात करी, तो मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा अपना मतलब मान रहा हूँ कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यही प्यार मेरे साथ बना के रखिए, जो मैं आगे और भी तरक्की करता रहूँ, देश को मेडल दिलाता रहूँ, और इस तरीके के और भी अवार्ड लेता रहूँ। यूरोपियन चैंपियन में दो दो गोल्ड मेडल हासिल किए, रोशन किया, कैसे ये सब संभव हो पाया? संभव तो देखिए, मैं बताऊँ आपको, आपकी जो मेहनत है और आपकी एक सच्ची मेहनत, अगर आप किसी भी काम में लगेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी काम में आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से मेहनत करेंगे, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और कामयाब होंगे। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा यूरोपियन चैम्पियनशिप तक, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। आप फिल्मों में जाने वाले हैं? अभी देखिए, ऐसा तो कुछ कहीं से ऑफर आया नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, आता है तो टाइम बताएगा कि जो निर्णय होगा उस दिन का वो करेंगे। बट रिसेंटली आप अमिताभ बच्चन साहब के साथ नजर आए थे, बिग बी के साथ, सदी के महानायक जी, उनके साथ नजर आए थे, कैसे, क्या वाकया था? वाक्य था कि मेरा देखिए बचपन से था कि एक मेरे को बच्चन साहब को मैं शुरू से ही लाइक करता हूँ। बच्चन साहब के एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक नेक इंसान हैं, उनके बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी। मैं यूरोपियन चैम्पियनशिप से जब आया तो वासु मगनानी जी के जो छोटे ब्रदर हैं खेमचंद मगनानी जी, वो मेरे फ्रेंड हैं, उनकी बच्चन साहब से कुछ बात हुई होगी क्या, तो उन्होंने मेरा एक मीटिंग करवाई बच्चन साहब से, मेरा लंच था साथ में उनके KBC के सेट पर, तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उनके साथ 1 से 1.5 घंटा बिता करके, और बहुत अच्छा लगा, बहुत नेक इंसान है वो। अच्छा, बातें क्या क्या हुई अमिताभ बच्चन से, आपने क्या पूछा, कोई बात आपने कही होगी, या बच्चन साहब ने आपसे कुछ कहा होगा? जी देखिए, मैं मिला जब बच्चन साहब से, तो एक होता है ना कि आप बचपन से किसी के डायलॉग सुनते आए हैं, किसी की आवाज़ सुनते आए हैं, किसी की मूवीज देखते आए हैं, और वो बंदा एकदम सामने आ रहा है, और वो आकर के बोल रहा है कि अरे गौरव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको 15 से 20 मिनट वेट कराया, तो एक वो मेरे लिए बहुत अलग सा मोमेंट था कि मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाया, कि बचपन से आवाज़ सुनता आया हूँ, और वो एक सामने आवाज़ आ गई है, सामने इंसान खड़े हैं मेरे बच्चन साहब, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि गौरव जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं 15 से 20 मिनट मैंने आपको बैठाया, तो वो मेरे आप में एक बहुत बड़ा दिन था, और मेरे को एक उनसे सीखने को मिला कि एक इतना बड़ा नायक और इतना बड़ा एक स्टार, सुपर डुपर स्टार भी एक ज़मीन से जुड़ा इंसान है, तो काफ़ी अच्छा महसूस किया मैंने, और भी काफ़ी बातें हुई, और काफ़ी अच्छा टाइम था वो मेरा, मैं बहुत खुशी मिली। अच्छा, आप बच्चन साहब तो ठीक है, चलिए सदी के महानायक हैं, बीजेपी के मंच पे देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ कैसे मिल गए? गौरव शर्मा जी, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए जो भी देश के लिए, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी एक देश में अच्छा काम करता है तो उसके साथ तो हमें रहना ही पड़ता है, तो देवी जी से भी मेरी कुछ काम के सिलसिले में कुछ मीटिंग थी, तो काफ़ी अच्छा रहा वो भी जी। न्यूजीलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, चैंपियनशिप आपने देश का नाम रोशन किया था, उसके बाद ये 10 साल करीब हो गए, ये 10 साल जो हुए, इसमें गौरव शर्मा ने अपने आप में कितनी तब्दीलियां की, कितनी बेहतरी की, और कैसे कैसे की? देखिए, आप पहले के मेरे कुछ इंटरव्यू देखें या पहले ही कुछ वीडियोज देखें, तो आपको खुद को भी लगेगा काफ़ी चेंजेस हैं, जो मेरे अंदर पहले कमियां थीं, जो मैं पहले ठीक से नहीं बोल पाता था, या ठीक से नहीं प्रैक्टिस थी मेरी, वो काफ़ी सुधारते हुए मैं वर्ल्ड चैंपियन बना। बीच में 3 से 4 साल का मेरा ब्रेक भी रहा, लेकिन उसके बाद भी आज भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगला टारगेट मेरा मिस्टर ओलंपिया के लिए तैयारी चल रही है मेरी, तो ये टाइम ने मेरे को काफ़ी सिखाया, और काफ़ी मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि एक अलग सा एक मोमेंट था मेरा बीच में जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम में तो एक पल के लिए मेरे को था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो 3 साल जो मैं रहा स्पोर्ट्स छोड़ करके अपने पीछे, तो वो 3 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उसके बाद जब मैं आया तो एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे मैं वापस आया और मेरे को मेडल मिले 3। अच्छा गौरव जी, जब हम
मुश्किल दौर से होते हैं, एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ और फैमिली की वजह से ट्रेजेडी हो जाए, उस दौरान इंसान अपने सबसे लो पे होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है स्पेशली आपको कि भाई हमें एक बार फिर से खड़ा होना है, एक बार फिर से लड़ना है और एक बार फिर से जीतना है? वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप कुछ स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, इंजरी हो जाती है, तो वो आपकी लाइफ में होता है जो आपकी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, अपोजिशन पार्टीज बोल रहा हूँ मैं, अपोजिशन जो आपके लोग होते हैं, वो हर किसी की फील्ड में होते हैं, तो वो मेरे साथ भी थे, जो लोग बोले कि यार ये तो अब लंगड़ा हो गया है, ये तो अब नहीं कर पाएगा, और किसी ने मेरी प्रैक्टिस स्टार्टिंग हुई तो उसकी पिक्चर उचर कुछ मेरे को कहीं डालवा दी नेट पर, तो कहीं से लोगों के कमेंट आते हैं कि यार अब तो बुड्ढा हो गया, अब तेरे बस की नहीं है, तो ये जो बातें हैं ये बातों ने ही मेरे को एक वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, तो ये सबसे ज़्यादा बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। आपके अंदर जो कमियाँ छाटने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ना जो अच्छाई करते हैं तो उनसे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छाई करे जा रहे हैं, आपकी बुराई नहीं बता रहे हैं आपके अपने, तो जो बुराई बता रहे हैं और बुराई गिनवा रहे हैं उनको भी भगवान से मैं कहूँ तरक्की दे खूब, अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अच्छा गौरव जी, मैं देख रहा हूँ खेल के प्रति एक बदलाव है, क्रिकेट की दीवानगी होती थी, देश में धर्म जैसा था, लेकिन अब बाकी खिलाड़ी और बाकी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दीवानगी भी मैं कह सकता हूँ उससे होती है, बहुत सारे लोग हैं जो गौरव शर्मा जैसा बनना चाहते हैं, वो कैसे बन सकते हैं गौरव शर्मा? वो बन सकते हैं गौरव शर्मा, गौरव शर्मा बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी जब पैदा हुआ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना नाम कमाऊँ या इतना वो कमाऊँगा, मैं भी एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी डाइट, आपका टाइम टेबल, आपका सब चीज़ एक बहुत मैटर रखता है, तो सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से चलिए, और यूथ आज की तरफ जो है कि इंटरनेट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसमें वो अपने आप को, अपने परिवार को भूलता जा रहा है, उसके अंदर से एक अपनापन ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ठीक है आप गैजेट्स की दुनिया में आए हैं, इस्तेमाल कीजिए उसको भी, गैजेट्स को भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनके एक अच्छे प्रयोग में भी आइए, और उसके साथ साथ फ़ोनों को साइड में रख के एक ज़मीनी स्तर पर भी आइए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जहाँ कमियाँ लग रही हैं उस कमियों को सुधारिए, एक अपना अच्छे आसपास वातावरण बनाइए और अच्छे से जिए। अच्छा ऐसे ही ऑफबीट सवाल पूछ लेता हूँ, ये हिंदुस्तान का जैकेट पहन के जब आप जाते हैं लोगों के बीच, लोग बहुत सारे लोगों के सेल्फी निकालते होंगे? जी बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फी निकालते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके ऑटोग्राफ्स मांगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्कुल ही आपको इतनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे पुराने लोग हैं वो एकदम कंधे पे हाथ वाथ रख देते हैं और सर 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 सर, तो आपके कंधे पे हाथ कैसे रखते हैं? जैसे मेरी जैसे कोई आदमी रहा, वो आपके कंधे पे कैसे हाथ रख पाएगा, या तो स्टूल साथ लाया हो? नहीं नहीं स्टूल तो साथ में कहाँ, लेकिन उचक उचक के हाथ रख ही देते हैं, उनके लिए हमें भी झुकना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, ये प्यार मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये प्यार मिलता रहे बस। अच्छा सेल्फी कोई आपके साथ निकालना चाहता है तो आप खुद झुक भी जाते हैं? जी हाँ, कोई छोटी हाइट का है या कोई बच्चा है तो उसको गोद में ले लेते हैं, या उसके साथ झुक के, या फिर कोई अगर किसी की पैरालाइज है कुछ है व्हील चेयर पे है तो बैठ भी जाते हैं हम, मतलब उसको खुश तो करना ही है हमें और प्यार दे रहा है वो इतना हमें। जी अब वही एक आखिरी सवाल कि गौरव शर्मा को हम फिल्मों में कब देख पाएंगे? ये सवाल का जवाब तो टाइम बताएगा, जल्दी जल्दी देखिए लगे हुए मेहनत में हम अपनी, अभी तो स्पोर्ट्स का लगा हुआ हूँ मेहनत में, फिल्मों का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, फिल्मों का जब भी देखिए मौका मिलेगा तो करेंगे, एक अच्छे उसके साथ स्पोर्ट्समैन के साथ काम करेंगे आएंगे। मतलब इनकार नहीं है फिल्में करने के लिए आप? इनकार तो नहीं, और एक स्पोर्ट्समैन है तो इनकार तो किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, हाँ अच्छे काम में लगे रहिए तो अपना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। जी मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे को अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया और महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसमें इंडिया में आने के बाद काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी बधाइयाँ मिल रही हैं, काफ़ी खुशी मिल रही है। जी सर जानना चाहूँगा, जो भी अचीवमेंट किया है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ इतना ईजी नहीं होता, बहुत चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती है, शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो सफर आपने तय किया है उसमें जो चुनौती है उसके बारे में बताइए। देखिए सफ़र तो बहुत लंबा था, मैं पूरा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सालों का सफ़र है बचपन से अभी तक का, लेकिन जो भी था सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, और एक स्पोर्ट्समैन का आप जैसे बोल रहे हैं काफ़ी मुश्किल भरा तो होता ही होता है, तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन उसके बाद भी आपकी अगर मेहनत सच्ची है और आपका भगवान पर विश्वास है तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी में पहुँचते हैं, तरक्की करते हैं। जी आज के दौर में काफ़ी कुछ बदला भी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स पर्सन को, आपने कैसे अनुभव किया है कि हमारे देश में किस तरह से फ्यूचर है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, खासकर पावर लिफ्टिंग जैसे गेम की बात करें तो किस तरह सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या कॉर्पोरेट की तरफ से? मैं फिर बताना चाहूँगा आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलेंगे आपका,
चलो रखूं दोबारा पूछिए किस तरह से सपोर्ट मिला है और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर के बारे में? देखिए आप अच्छा खेलेंगे और देश के लिए मेडल लेके आएंगे तो काफ़ी कंपनियां काफ़ी प्राइवेट गवर्नमेंट सब आपके साथ खड़ी हुई है। उसके अलावा भी अगर आप मतलब स्टार्टिंग है आपकी गेम की तो उसके अलावा भी अभी मोदी जी ने काफ़ी अच्छे रूल्स निकाले हैं स्पोर्ट्स को लेकर के और काफ़ी गाँव में जा करके वो बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं और वहाँ से उनको ट्रेनिंग के लिए उनको खर्चा दे रहे हैं महीने का डाइट का और स्पोर्ट्स का जो भी उनका खर्चा हो रहा है उनके ऊपर किट का सब खर्चा दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हो रहा है जो देश में हो रहा है अभी। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा कि जब शुरुआत होती है किसी खिलाड़ी के जीवन की मतलब जब प्रोफेशनल करियर की तो सबसे अहम चीज़ क्या मायने रखता है किसी खिलाड़ी के लिए? सबसे अहम तो यही मायने रखता है कि उसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग पे उठना उसका उसका डाइट का और उसके कोच का गुरु का माँ बाप का आशीर्वाद और उनके एक जो बोलते हैं कि नहीं कि मतलब वो अगर बोल रहे हैं आपको तो उनका कहना मानना उनके सच्चे उस पर चलना रास्ते पे तो आप ज़रूर कामयाब बनेंगे और एक ना एक दिन चैम्पियन बनेंगे। और कोई बड़ा जैसे इवेंट है एशियन गेम्स की बात करें या आपको कॉमनवेल्थ की काम बात करें तो क्या इस गेम में रिप्रेजेंट करना किसी कंट्री को वो सबसे बड़ा मुकाम होता है या कि और भी जो भी गेम्स होते हैं वो भी मायने रखते हैं आपके लिए? देखिए गेम जो है हिंदुस्तान में कोई 80-90 से भी 100 से ऊपर भी ज़्यादा गेम होंगे तो ज़्यादातर मतलब जितने गेमों की मुझे मालूम है मैं यही बताऊँगा अपने आप में एक गेम जो है वो काफ़ी अच्छा मुकाम रखते हैं और उस पर अच्छी मेहनत करेंगे तो ठीक रहेगा। और ये भी जानना चाहूँगा कि एक मेंटोर होता है मेंटोर जरूर होगा कोई आपका या किसी से आप प्रभावित जरूर होंगे इस खेल को लेकर तो कौन मेंटोर रहा है और किससे प्रभावित हुए हैं आप? जी मैं बचपन से ही बताऊँ मैं हनुमान जी का पुजारी था तो मेरा तो जो भी कुछ है मैं हनुमान जी को ही समझता हूँ और हनुमान जी को ही मानता हूँ तो उन्हीं से मैं पावर मिलती है उन्हीं से शक्ति मिलती है मेरे को और उन्हीं को साधना करता हूँ उनकी और उनकी वजह से चैंपियन हूँ आज। सर आप अपनी जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे किस तरह की रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही मतलब बीच में 2 से 3 साल के ब्रेक आया उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से पैर में बोल्ट डला तो लेकिन उसके बाद भी मैंने बोला ना कि आपको क्या आप अगर सच्चे दिल से लगेंगे और एक मेहनत से लगेंगे तो आप एक ना एक दिन कामयाब होंगे तो वही रहा मेरे साथ कि मैं थका नहीं कभी हार नहीं मानी मैंने मेरे पैर में 3 से 4 ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी उसके बाद भी मेरे को था कि नहीं वर्ल्ड चैंपियन बनना है कुछ ना कुछ खेलना है डॉक्टर ने मना किया हुआ है उसके बावजूद भी मैं खेलता हूँ आज और आज भी प्रैक्टिस करता हूँ नेक्स्ट टारगेट मेरा मिस्टर ओलंपिया है। सर सपोर्ट लोगों ने कितना किया आपको उस समय क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो उस समय किस तरह की सपोर्ट रहा और आपके गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट रहा उस समय? देखिए गवर्नमेंट का और पब्लिक का मेरे को बहुत प्यार मिला बहुत आशीर्वाद मिला जिनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा किसी का मेरे को कुछ गलत रहा हो मेरे साथ सबका अच्छा रहा गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को मैं जब भी आया जीत करके जो भी मेरे जो बना कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस का वो मेरे को मिला सब जो भी रहा सब अच्छा रहा प्राइवेट फंडिंग भी मिली और सब अच्छा रहा। सर हाल ही में आप अमिताभ बच्चन जी से भी मिले थे क्या मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई है? मुलाकात में काफ़ी अच्छा रहा बच्चन साहब से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वो अपने आप में एक बहुत अलग ही शख्सियत हैं और मतलब मैं बताऊँ आपको मेरा उनसे 1 से 1.5 घंटे में उनके साथ था तो जब क्या हुआ कि वो केबीसी के सेट पे बुलाया उन्हें मुझे तो मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने मैं 15 से 20 मिनट उन्होंने मेरे को वेट करा दिया कुछ शूट चल रहा था वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे तो जब आए हैं तो आकर के वो एकदम बोले अरे गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे मैं माफ़ी रखता हूँ कि मैं आपको बैठाया आप लेट हुए तो मैंने कहा नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपलेट सा हो गया मैं उनको बताने लगा कि सर मैं ऐसे ऐसे चैंपियन अरे कह रहे मैं सब जानता हूँ आपके बारे में आप ये मेडल आपका इस साल में आया था ये इस साल में आया था तो काफ़ी अच्छा लगा कि इतना बड़ा आदमी भी मतलब एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है और स्पोर्ट्स को इतना लाइक करते हैं और इतना काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज से भी जुड़े होते हैं हाल ही में आप देवेंद्र फडणवीस जी से मिले थे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं पॉलिटिकल के तरफ कोई रुझान? देखिए मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं ये बताऊँगा कि जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी मैं उसके साथ हूँ और हमें जो भी पार्टी अच्छा काम करती है उसके साथ जुड़ा रहना ही होता है क्योंकि देश के लिए हम खेलते हैं जो भी देश चलाएगा तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी जो है अभी अच्छा काम कर रही है मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको तो राज्यवर सिंह राठौड़ जो हैं स्पोर्ट्स मंत्री काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो यही बोलूँगा उनसे कि काफ़ी अच्छा है। सर आज के दौर में ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी हैं मैरी कॉम पे फिल्म आई फिर आपको मिल्खा सिंह पे आई धोनी पे आई कितना ज़रूरी है जो स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं स्टार्स उनके बारे में फिल्म के माध्यम से दिखाना उनको एक रिकॉग्निशन देना?
देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये अभी काफ़ी बनती जा रही है मूवी और काफ़ी आ रही है। इससे क्या है कि इससे एक यूथ को और एक मैसेज पहुंचता है और जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वो नहीं होते हैं उन तक मैसेज पहुंचता है। और वो भी फिर एक आप देखिए कुश्ती पहले इतनी नहीं होती थी, जब से वो दूध कुश्ती के ऊपर रेसलिंग के ऊपर 2 से 3 मूवियाँ आई हैं तो रेसलिंग इंडिया हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लड़कों के साथ साथ वुमेंस की भी बढ़ गई है, लड़कियों की भी बढ़ गई है। लड़कियाँ भी काफ़ी आगे आ रही हैं और काफ़ी अच्छा मेडल लेकर के आ रही हैं। अभी एशियन गेम में भी देखा होगा आपने काफ़ी लड़कियाँ मेडल लेकर के आई हैं उससे पहले भी। तो रेसलिंग के ऊपर भी और जो भी स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बन रही है वो अपने आप में एक अच्छा काम कर रही है। और मैं यही चाहूँगा बॉलीवुड में हॉलीवुड में कि मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे ही करते रहिए। एक स्पोर्ट्समैन जो होता है जमीन से जुड़ा होता है उसको आप इतने बड़े पर्दे पे दिखा रहे हैं, वो उसकी सोच से भी एक अलग हटकर रह गए हैं और आप उसको दिखा रहे हैं, एक पब्लिक में मैसेज दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इससे और एक यूथ को मैसेज जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए और देश के लिए मेडल आ रहे हैं हिंदुस्तान में। उसके लिए राजी हो गए क्या बायोपिक फिल्म अगर आपके ऊपर बनी और साथ ही साथ कौन सा एक्टर करना चाहिए, कौन सा एक्टर उसमें प्ले करेगा मेरे ग्रुप को? अच्छा बायोपिक में आपकी सनी देओल पहला सनी देओल देखिए अपने आप में जितने भी एक्टर हैं सब अच्छा ही काम कर रहे हैं अपनी मेहनत में। उनमें मैं एक बोलता हूँ कि अक्षय कुमार जो है वो एक चांदनी चौक से जुड़ा हुआ भी है और काफ़ी मिला हुआ भी हूँ मैं उनसे, मेरे परिचय भी हैं उनसे, तो मैं चाहूँ अक्षय जी प्ले करें तो और अच्छा रहेगा क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भी हैं और वो और काफ़ी अच्छा करते भी हैं तो, और स्पोर्ट्स में भी और रात को टाइम से सोना, अच्छी डाइट लेना, सुबह टाइम से उठना, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो मैं वही चाहूँगा। क्या 2019 के चुनाव में आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, इलेक्शन का तो मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है अभी 2019 के उसमें, ठीक है। तो बस मेरा अगले साल मिस्टर ओलंपिया की तैयारी चल रही है और कॉमनवेल्थ एशिया जो गेम्स हैं मेरे चैंपियनशिप्स हैं वो तैयारी चल रही है उसकी, उसमें अच्छे से अच्छा मैं अपना प्रदर्शन रखूँगा और देश के लिए मेडल लेकर के आऊँगा। बस आप लोग ऐसी प्यार बना के रखिए। यंगस्टर से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए 4G का ज़माना है, सब अच्छे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरनेट पे भी इतना जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ देश में इंटरनेट के साथ साथ गैजेट की दुनिया में, वो उनके अंदर से अपनापन सा ख़त्म होता जा रहा है, एक फील ख़त्म होती जा रही है, वो अपना पराया सब भूल गए हैं, मतलब घर में माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे हैं, वाइफ को बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमेशा अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, 4 लोग साथ में बैठे हैं, साथ में रह करके भी बात नहीं कर पा रहे हैं, 4 लोग अपने अलग अलग फ़ोन में लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि फ़ोन को भी थोड़ा साइड में रख के देखिए, उसके अलावा भी दुनिया है जो पहले भी चलती आ रही थी और आगे भी चलेगी, तो उसको ख़राब ना कीजिए, शरीर को अच्छा खाइए, अपने आसपास में वातावरण को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए और जरूर आप अपने मुकाम पे पहुँचेंगे जिस भी आप फील्ड में हैं। तो रेसलर की बात करें तो एक अभी हाल ही में एक हादसा हो गया रेसलर का, राखी सावंत उतरी थी। देखिए राखी सावंत की आप बात करेंगे तो राखी सावंत को तो क्या है कि मीडिया में आने के लिए वो कुछ भी आप बोलेंगे उसको तो वो स्टंट करने के लिए तैयार है, तो राखी सावंत की ना ही बात करें तो अच्छा है। क्या लग रहा था आपको कि वो सब फेक है राखी सावंत का, आपको मालूम है आप लोगों को सबको राखी सावंत का सब फेक है, तो बात करते हैं। हाँ हाँ उस बारे में मैं ना बात करूँ तो अच्छा ही है, मतलब थैंक यू। मौका भी है दस्तूर भी है जो आपके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपके माध्यम से चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा ये रोहित भारद्वाज हैं, काफ़ी पुराने एक्टर हैं और आपने देखा होगा इनको काफ़ी उसमें थिएटर वेटर करते आए हैं दिल्ली से, तो देखिए शर्मा रहे हैं अभी, पुराने एक्टर नहीं, काफ़ी पुराने एक्टर हैं, देखा होगा आपने, आप देख सकते हैं गूगल पे इंटरनेट पे इनके बारे में, काफ़ी पुराने थिएटर से और बॉम्बे में जुड़े हुए हैं, महाभारत में युधिष्ठिर भी थे, उसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी एड्स और काफ़ी शॉर्ट्स फिल्म वगैरह करी हैं भाई ने, और अभी इनका प्रोडक्शन हाउस है विस्तार मूवीज़ करके इंटरटेनमेंट करके बॉम्बे में जो चला रहे हैं जी। अब आप बताएं अपने बारे में थोड़ा। जी मैं क्या बताऊँ, मेरा नाम रोहित भारद्वाज है और मैं गौरव और तीसरे में अभी तक कैमरा गया नहीं गया मुझे पता नहीं, हम लोग दिल्ली गए हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं और मैं इनसे मिला अंकित के थ्रू महाभारत के बाद, तो फिर वो होता है ना कि वो दिल मिलने वाली बात है, तो वो मिल गए तो अब हम काफ़ी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और आज ये जो कॉन्फ्रेंस है वो मेरे लिए नहीं इनके लिए है, और वो ये है कि इन्होंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीते हैं और अभी कुछ दिन पहले लंदन की पार्लियामेंट ने इनको सम्मानित किया जो अपने आप में बहुत 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 गौरव की बात है, गौरव तो इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए, और देश का नाम रोशन किया जो
मतलब बहुत ही बड़ी बात है। मतलब हम तो एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करते हैं, कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, ये तो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, बहुत बहुत बधाई बोलूँगा और बस ऐसे ही लगे रहे। अंकित, आप कुछ कहना चाहते हो गौरव के बारे में? जब आप लोग साथ रहते हो तो साथ रहने का एक फायदा ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। जी सर, गौरव शर्मा से क्या सीखा? 100% आपका सवाल बहुत सही है क्योंकि जवाब मेरा उससे पहले वैसे ही प्रिपेयर है। अगर मैं बात करूं, मुझे बॉम्बे में आए हुए 10 साल हो गए हैं, मगर गौरव मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उस टाइम से जानता हूं, जब मैं खुद अंकित को अंकित के नाम से जो आइडेंटिफिकेशन बॉम्बे ने दिया वो नहीं जानता, तब से मैं गौरव को जानता हूं। और जब गौरव ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और जिस जोश और जुनून के साथ करी थी, वो मैंने लाइफ में हमेशा गौरव के अंदर एक बेस्ट चीज़ जो ऑब्जर्व करी है। और उसके जितने मेडल्स जितने उसने हमें प्राउड फील कराया है, उन सब चीज़ों के इसके पीछे इसकी कड़ी मेहनत है, जो मतलब मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, जिसके आपको बोलते हैं कि विल स्ट्रांग होना। आप कभी भी किसी भी चीज़ पे, किसी भी परेशानी पे, किसी भी हर्डल पे गिव अप नहीं करना। तो उसी ऑब्जर्वेशन के साथ मैं इससे थोड़ा दूर हूँ, दिल्ली की जगह बॉम्बे में हूँ, बट मैं वैसे ही सर्वाइव किया हूँ अपने पूरे 10 साल। अगर कहना चाहूँगा, अगर मुझे कभी भी लगता था कि मैं किसी जोन में ड्रॉप हो रहा हूँ या गिव अप करने की सिचुएशन में आ रहा हूँ, तो मैं हमारे वो बचपन के दिन और उसकी वो स्ट्रेंथ और उसका वो जुनून याद करता था। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना है लाइफ में। अगर तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो एटलीस्ट वो तो आप उससे ले सकते हैं। और आज जहाँ जिस अचीवमेंट्स के साथ गौरव है, और मतलब ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। अगर मैं बात करूँ कि मेरी कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर जाए या उसकी मुझे जिस लेवल पे खुशी होगी, तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे ये देख के है जो चीज़ गौरव के लिए हो रही है आज। और जब मुझे पता चला कि इन्हें लंदन में ऑनर किया गया वो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से, मतलब मुझे लगा कि मुझे लाइफ का कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला, क्योंकि इतने कनेक्ट होने के बाद आपको वो खुशी आप शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितनी मिली। सो मैं तो हमेशा इसके लिए यही विश करता हूँ कि ये और आगे ग्रो करें। जितना ये ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे। तो बी वेरी ऑनेस्ट, तो अंकित और गौरव का दोनों का ये हुआ था कि गौरव मैं तेरी तारीफ करूंगा और मेरी तारीफ करना ऐसा कुछ नहीं। तारीफ की बात तो बहुत छोटी है, हमारे तो घर वाले आपस में कहते थे कि तुम आपस में शादी कर लो, तुम्हारे को बाहर कोई मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इतना साथ रहते थे। तो तारीफ करने की तो ऐसे, अब अगर मौका आया तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दोस्ती तक ठीक है, कभी कभी ये नहीं सोचा कि आज और थोड़ी सी हाथ आजमा लेते हैं, थोड़ी कुश्ती उश्ती। अरे सर, साइज देख के क्या मजाक, मतलब ये ख्याल ही नहीं है। अरे मजाक, कभी गलती भी होती थी तो चले। गौरव जी, आप साइज का फायदा उठा रहे हो। नहीं नहीं, साइज का फायदा तो नहीं है, प्यार है बस भाइयों का, आप लोगों का, सबका। नहीं नहीं जी, डर है साइज का, रोहित से पूछो। बहुत डर आता है, ये अभी इतना अच्छा बन रहा है नहीं। अच्छा हाँ, ये तो इसको पता है कि ये पावर लिफ्टर है, तो देखिए वो कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त होते हैं। आप एक 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 फेस है लोगों के लिए, आप एक लोग आपको और कुछ कहेंगे, लेजेंड कहने लगेंगे, तो वो अगर जो दोस्त है वो तो दोस्त ही रहेगा ना हमारे। मैं आपसे यही विश करता हूँ कि ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही पसंद करते रहिए। एंड मगर आज की जो है इंटरव्यू, ये गौरव के लिए, लेट्स टॉक अबाउट हिम। सर, बट नागिन इज डूइंग वेरी वेल, टॉप। आई सेड थैंक यू फॉर इन आर्बर एंड रूलर, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गेटिंग फ्रॉम योर फैंस? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, इट्स अनबिलीवेबल। और हर कैरेक्टर को लोगों को इतना पसंद करना, एंड वो सीजन बाई सीजन शो ग्रो कर रहा है, और अभी थर्ड सीजन भी लोगों के इतने एप्रिसिएशन के साथ ग्रो ही कर रहा है। अगर मैं किसी सीन को प्ले करने जा रहा हूँ या रोहित किसी सीन फिल्म में एक्ट करने जा रहा है या किसी सीन को पोर्ट्रे करने जा रहा है, तो वो मोमेंट वही होता है जब गौरव के सामने वो वेट्स होते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ की ऐसी होती है कि बीइंग अ हार्ड वर्कर, आपने लाइफ में कितना हार्ड वर्क करा है, कितनी चीजें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। एंड व्हाट, हाउ वाज द रिलेशनशिप विद द पर्ल पुरी एंड सुरभि? फैंटास्टिक, यू सीइंग ऑन स्क्रीन,
या एम टीजिंग दैट बोर एंड द नेगेटिव अच्छा ये दोनों एक्टर हैं कभी गौरव से नहीं कहते कि चलिए एक्टिंग करते हैं साथ में आप भी आ जाओ नहीं हमने एक्टिंग भी सीखी है ना इनसे क्या बताएं अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे सीखी जरा ये तो मतलब आज जो हम स्क्रीन में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सब सर की देन नहीं ऐसा कुछ नहीं है मजाक कर रहे हैं लोग मैं आपको एक्टर हैं ये लोग एक्टिंग मैं कहा स्पोर्ट्समैन नहीं नहीं एक्टिंग हमने मैं इनको बता समझ रहे हैं एक्टिंग हमने इनसे सीखी है वो ऐसे सीखी है कि एक्टिंग में ना फिजिकैलिटी की भी बहुत जरूरत पड़ती है तो जो एनर्जी कैसे लगानी है कैसे नहीं लगानी है तो वो जो बैलेंस करना बॉडी इमोशन को तो वो बॉडी पार्ट जो है वो गौरव से सीखने को बहुत मिलता है तो वो पार्ट हम इनसे सीख लेते हैं बाकी हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो करेंगे ठीक है Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.